खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की सरकार बन चुकी है। दुष्यंत चौटाला डेप्यूटी सीएम बन चुके हैं, लेकिन अब उनके पिता को फरलॉ देने पर विवाद खड़ा हो गया है। बेटा डिप्टी सीएम बना, घर पर 15 सालों बाद सत्ता के साथ दिवाली मनाई गई, लेकिन दुष्यंत के पिता अजय चौटाला जिस जरिए तिहाड़ जेल से घर पहुंचे हैं, उस पर सियासत शुरू हो गई है, यानी फरलो पर। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए सुभाष चोपड़ा ने केजरीवाल को निशाने पर लिया। कांग्रेस का आरोप है कि अजय चौटाला को फरलो इसलिए मिला क्योंकि केजरीवाल सरकार ने पैरवी की थी। हरियाणा के चुनाव के अंदर सपोर्ट लेने के लिए दुष्यंत जी की उसी दिन फरलो मिल जाता है कि यहाँ पे इनके पिताजी को रिलीज कर दिया जाए। आप सब जानते हैं कि पिछले चुनाव में देयर वाज अ राइज बिटवीन दुष्यंत जी एंड केजरीवाल जी इन हरियाणा, और दिल्ली सरकार की परमिशन के बिना फरलो नहीं मिल सकता। कांग्रेस का दावा है कि तिहाड़ जेल के डीजी फरलो के ऑर्डर पर तभी साइन करते हैं जब दिल्ली सरकार के गृह विभाग से अर्जी आती है। दावा ये भी है कि लोकसभा चुनाव के दौरान आप और जेजेपी का गठबंधन था, तब INLD के ओम प्रकाश चौटाला की फरलो रद्द हो गई थी। ठीक दिवाली के दिन ही अजय चौटाला 14 दिनों के फरलो पर रिहा हुए हैं। तिहाड़ के AIG ने तब कहा है कि फरलो कैदी के आचरण के आधार पर दिया जाता है, लेकिन ये तय है कि चुनावी माहौल में कांग्रेस चुन चुन कर केजरीवाल पर ऐसा हमला अभी और करेगी।